बीजेपी विधायक दल में बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है। जी हां, शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे नए सीएम। मध्य प्रदेश में दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, राजेश शुक्ला और जगदीप देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे, नरेंद्र तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। कौन है मोहन यादव? मोहन यादव राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। 1965 को जन्म में पूनम चंद यादव के घर जन्मे मोहन यादव ने पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रख लिया था। वो एमए पीएचडी हैं। उनकी शादी सीमा यादव से हुई है। उनके दो बेटे और एक बेटी है। मोहन यादव का विवादित बयानों से लंबा नाता रहा है। यही वो वजह है कि वो मीडिया में हमेशा से चर्चा का विषय बने रहते हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव 2020 में असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने पर एक दिन के लिए प्रचार करने से इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। उन्होंने माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री भी रहे हैं। 1982 में उन्हें छात्र संघ का सह सचिव चुना गया। भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य और सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख, पश्चिमी रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए दो बार 2013 और 2018 में निर्वाचित हो चुके हैं। 2 जुलाई 2020 को उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा के रूप में शपथ ली। मोहन यादव का विवादित बयानों से लंबा नाता रहा है। यही वो वजह है कि वो मीडिया से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस का आरोप था कि मंत्री और उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान को गलत तरीके से पास किया गया, पर यादव इन आरोपों को खारिज करते रहे। मोहन यादव ने माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया था। मंत्री ने कहा कि मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया, कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामना करती रही। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। यानी कि जिस मोहन यादव पर बीजेपी ने दाव लगाया है, मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव का ये पूरा राजनीतिक सफर रहा। वो कौन है, कहां से आते हैं और क्यों उन्हें चुना गया? क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान ने उनका नाम पटल पर रखा था।